हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है हम बात करेंगे, और साथ ही साथ इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, हम इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे आपको दबा देना है। जैसे कि आपको कॉमर्स की पाठशाला आपने यूट्यूब पे सर्च करा, यहाँ पे हमारा चैनल शो करेगा आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है, सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले, और जो बेल आइकन है उसको दबा देना है ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में आकर के अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। ये जो एमकॉम न्यू है, ये एमकॉम का नया कोर्स जो इस साल से लॉन्च हुआ है, ये उनके लिए है। एमकॉम का जो पुराना कोर्स था IBO 1, IBO 2, IBO 3, IBO 4, IBO 4, 5, 6 और सेकंड ईयर का, वो सारा का सारा कोर्सेज रनिंग है। आप चूंकि बीकॉम न्यू से है तो आप बीकॉम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। बीकॉम ओल्ड का भी कोर्स है यहाँ पे, तो आप बीकॉम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही बीकॉम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसके अंदर ढेरों वीडियोस हैं, जिनको देख करके आप अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो की होने वाला है हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है, तो चलिए फिर देखते हैं। So according to section 2C of the Hire Purchase Act 1972, the Hire Purchase Agreement is an agreement under which the goods are let on hire and the hirer has option to purchase them in accordance with the terms of agreement under which possession of goods is delivered by the owner thereof to a person on condition that such person pays the agreed amount in periodical installments. ठीक है, ये पहला condition है, मैं एक-एक करके बताऊंगा, but इसका जो meaning है वो मैं आपको समझा देता हूँ। So according to section 2C of the Hire Purchase Act 1972, ये कहा जाता है कि हायर परचेज एक एग्रीमेंट है जहां पे आप अपने गुड्स को बेचते हो किसी को, ठीक है, लेकिन उसका जो मालिकाना हक है वो उसके हाथ में नहीं जाता है। आप बेचते हो पर उसके हाथ में नहीं जाता है, एंड द हायरर हैज एन ऑप्शन टू परचेज देम, है ना। और हायरर जो है, जो उसको खरीद रहा है, जो उसको हायर कर रहा है, उसके पास एक तरीके से अधिकार हो रहा है कि वो जो है अपने हिसाब से, है ना, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है उसके टर्म्स के हिसाब से जो है उस चीज को खरीदे। इन जनरल मैं अगर आपको बताऊं तो सपोज आपने एप्पल का फोन लिया। जनरली होता क्या है कि एप्पल का फोन जैसे ही आपने लिया, आपने डाउन पेमेंट करा, बाकी सारे पेमेंट आपने सपोज इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, तो जनरली होता क्या है कि फोन पहले दिन से आपके नाम पे एक तरीके से रजिस्टर्ड हो जाता है कि ये बंदा जो है इस फोन का मालिक है। आपको धीरे धीरे अपने पैसे जो है पेमेंट कर देने होते हैं। हायर परचेज में ऐसा नहीं होता। हायर परचेज में आप पैसे देते हो, डाउन पेमेंट करते हो, और इंस्टॉलमेंट में आप अपने बाकी के सारे पैसे देते हो। जब तक कि आपका बाकी का सारा पैसा पेमेंट नहीं हो जाता, जब तक कि आप फुल पेमेंट नहीं कर देते, तब तक वो सामान जो है आपके नाम पे इशू नहीं होगा, उसका मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है कि जो पोजेशन है गुड्स का वो डिलीवर किया जाता है बाय द ओनर देयर ऑफ टू अ पर्सन ऑन कंडीशन दैट सच पर्सन पेज द एग्रीड अमाउंट इन पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट्स। अब पीरियड एक साल का, एक महीने का, दो महीने का, तीन महीने का, जैसा भी पीरियड होगा उस पीरियडिकल टाइम में उसको जो है इंस्टॉलमेंट्स पे करने पड़ते हैं। जब उसका इंस्टॉलमेंट पूरा हो जाता है, ही इज गिवन हिज पोजेशन ऑफ द गुड्स, गुड, राइट। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इट हैज टू पास टू सच पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ द लास्ट सच इंस्टॉलमेंट। ये मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी जो है उसका मालिकाना हक जो है वो आपको तब मिलेगा जब आप अपना लास्ट पेमेंट जो है, लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है आप पे कर चुके होंगे, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज सच पर्सन हैज द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासेस, है ना। और जो व्यक्ति होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो उस एग्रीमेंट को कभी भी एक तरीके से टर्मिनेट कर सके और प्रॉपर्टी जो है वापस से उसके पास चली आएगी। जैसे कि सपोज आपने बैंक से लिया और आपने पेमेंट करा, पेमेंट करते करते आप आखिर के कुछ पेमेंट्स आप नहीं कर पाए, तो इन दैट केस क्या होगा, बैंक उस चीज को वापस अपने पास ले लेगी, और लेने के बाद जो भी आपने पेमेंट करा है उसकी कैलकुलेशंस की जाएंगी और आपको जो है उतना हिस्सा उसका मिलेगा, या फिर हो सकता है ना भी मिले, उसको सेल ऑफ कर दिया जाए, फिर जो पैसे आपको बचेंगे वो आपको मिल जाएंगे और जो नहीं बचने हैं वो नहीं मिलेंगे, राइट। इस तरीके से ये काम करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, ठीक है। सो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबसे पहला देखो कैरेक्टरिस्टिक देख लो, इट मस्ट बी राइटिंग एंड मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टीज देयर टू, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि हायर परचेज का जो एग्रीमेंट होगा वो रिटन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मौखिक रूप से आपने बोल दिया बस हो गया,
रिटेन में होना चाहिए और सारे पार्टीज का यहाँ पे सिग्नेचर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द हायर परचेज एक्ट 1972, द एग्रीमेंट मस्ट स्टेट, एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द हायर परचेज एक्ट 1972, एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि द हायर परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स टू विच द एग्रीमेंट रिलेट्स, है ना, आपको अपने गुड्स का जो प्राइस है वो आपको मेंशन करना है, गुड्स का जो एग्रीमेंट है, जो भी आपने एग्रीमेंट करा है उसमें वो चीजें मेंशन होनी चाहिए। द कैश प्राइस ऑफ द गुड, गुड्स की क्या कैश प्राइस है, दैट इज टू से द प्राइस एट विच द गुड्स मे बी परचेस्ड बाय द हायरर फॉर कैश, मतलब वो प्राइस इसलिए भी मेंशन करना है ताकि बाद में अगर हायरर को लगता है कि वो कैश पेमेंट कर करके यू नो गुड्स को परचेस कर सकता है तो वो कैश प्राइस जो है गुड्स का वो भी आपको वहां पे मेंशन करना है। द डेट ऑन विच द एग्रीमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस्ड, वो डेट वहां पे मेंशन होना चाहिए कि जिस डेट पे आपका हायर परचेस का एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है, कमेंस मतलब स्टार्ट होना, ठीक है ना, तो वो डेट भी वहां पे मेंशन होना चाहिए। द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बाय विच द हायर परचेस प्राइस इज टू बी पेड, है ना, कितने सारे इंस्टॉलमेंट में आपको जो है सारे के सारे पैसे जो है वापस दिए जाएंगे इंस्टॉलमेंट्स में, वो इंस्टॉलमेंट्स की डेट वहां पे होनी चाहिए। द मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द डेट अपॉन विच इट इज पेएबल एंड द पर्सन टू हूम एंड द प्लेस वेयर इट इज पेएबल, तो यहाँ पे हर एक चीज मतलब कितने पैसे देने हैं, किसको देने हैं, कब देने हैं, कितने इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, ये सारी की सारी जानकारी जो है हायर परचेज एग्रीमेंट में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। एंड द ई नंबर पॉइंट इज द गुड्स टू विच द एग्रीमेंट रिलेट्स इन अ मैनर सफिशियंट टू आइडेंटिफाई देम, है ना, तो जो गुड्स जो आप ले रहे हो उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी वहां पे देनी है ताकि इन केस अगर कभी आवश्यकता पड़े तो उसको आप एक तरीके से देख सको कि यही वो गुड है, राइट। तो गुड्स टू विच द एग्रीमेंट रिलेट, जिसके साथ एग्रीमेंट आपका हो रहा है, जिस गुड्स के लिए एग्रीमेंट हो रहा है उसके बारे में जानकारी जो है आपको वहां पे सफिशियंट वे में देनी है ताकि इन फ्यूचर अगर उसको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता पड़े तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकें, राइट। Apart from the above mentioned conditions, a full description of the amount to be paid in cash or by check, if any, should be given in the agreement. इन सारे चीजों को छोड़ करके जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, इसके अलावा अगर आप एक तरीके से पैसे पेमेंट कर रहे हो बाई कैश और बाई चेक स्टार्टिंग में जो भी आप कर रहे हो वो चीज भी वहां पे मेंशन होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द अमाउंट टू बी पेड इन कैश, जितने पैसे आपने पेमेंट किए उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है यू नो कैश में आपने पेमेंट किया, चेक में पेमेंट करा, इस तरह की जानकारी जो है आपको एग्रीमेंट में देनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो दिस इज हायर परचेज, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा हायर परचेज क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।